मिस्टर आईपीएल के नाम से मशहूर सुरेश रैना को कोई भी खरीदार नहीं मिला है। सुरेश रैना को जब ऑक्शन में उनका नाम आया तो एक भी टीम ने बोली नहीं लगाई। ऐसे में अब उनकी पुरानी टीम चेन्नई सुपर किंग्स को चिन्नाथाला की याद आई है और सुरेश रैना को उन्होंने खास संदेश दिया है। नीलामी में अनसोल्ड रहने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने रैना के लिए एक संदेश जारी किया है। ऐसा लग रहा है कि चेन्नई को चिन्नाथाला की याद आ गई है। एक फोटो शेयर करते हुए चेन्नई ने लिखा कि बहुत शुक्रिया सभी यादों के लिए चिन्नाथाला। आईपीएल के 15वें सीजन के लिए हुए मेगा ऑक्शन में रैना का बेस प्राइस 2 करोड़ था। पहले दिन उनको किसी भी टीम ने नहीं खरीदा, जबकि इसके बाद दूसरे दिन आखिरी सेट में उनको फिर से शामिल किया गया। इस बार भी रैना को किसी फ्रेंचाइजी टीम ने खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। साल 2008 के बाद ये महज दूसरा मौका होगा जब रैना आईपीएल में नहीं खेलेंगे। साल 2020 में कोरोना की वजह से उन्होंने अपना नाम वापस लिया था। सुरेश रैना चेन्नई सुपर किंग्स के अलावा गुजरात लॉयंस से भी आईपीएल में खेल चुके हैं। रैना का नाम बिकना सच में हैरान कर देने वाला है। सोशल मीडिया पर फैंस मायूस दिखे, जबकि चेन्नई के ट्वीट पर भड़क भी गए। रैना का चेन्नई के साथ रिश्ता पुराना है, लेकिन ऑक्शन में इन रिश्तों की डोर कमजोर नहीं बल्कि टूटी हुई दिखी। रैना आईपीएल में किसी सुपरस्टार से कम नहीं थे और आंकड़े भी सब कुछ यही बयां करते हैं। सुरेश रैना ने आईपीएल के 205 मैच खेले, जिसमें 5528 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और 39 हाफ सेंचुरी निकली, जबकि गेंदबाजी करते हुए सुरेश रैना ने 25 विकेट भी झटके। बता दें कि ऑक्शन से पहले रैना को चेन्नई ने रिलीज कर दिया था। उम्मीद थी कि फिर से येलो आर्मी रैना को खरीद लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खबरें तो यहाँ तक थी कि गुजरात की टीम अपने साथ मिस्टर आईपीएल को जोड़ने वाली थी, लेकिन सारी खबरें गलत साबित हुई। उम्मीद करते हैं कि आईपीएल के आगाज से पहले रैना को कोई ना कोई टीम मिल जाए।